छोटी सी आशा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटो सोनेरो मदन गोपाल। और जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम। अरे यार अनाया को ना ये ड्रेस और जूते ना छोटे हो गए हैं, अब ये तू रख ले। और मेरी बेटी लंबी हो गई है ना, तो बहुत सारी पार्टी ड्रेसेस छोटी हो गई हैं। एक काम करियो, तुम मुझसे कोई भी उधार मांग लियो, ले जाना, ठीक है? हे भगवान, थोड़ी सी हाइट और दे देते तो कुछ चला जाता आपका। अगर आपके ख्यालात मुझसे मिलते जुलते हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो बनता ही है। तो इस वीडियो का जो बेस है ना, वो है इल्यूजन, कि कैसे आप सामने वाले को अपने आउटफिट से चकमा दे सकते हो। लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि ब्लैक पहन लिया तो वो पतले और लंबे लगेंगे, इसलिए वो सर से लेके पैर तक ब्लैक पहन लेते हैं। जैसे कि ब्लैक बूट, ट्राउजर, टॉप अंकु ने भी तो पहना था, बट उसकी बात अलग है, वो लंबी है। पर ब्लैक हमें पतला और क्लासी भी तो दिखाता है। चलो मान लिया, लेकिन वो हमें सिकुड़ा भी तो दिखाता है। तो आप शॉर्ट ड्रेस तो ब्लैक कलर की पहन लो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ओवरऑल ब्लैक लुक रखोगे ना, तो आपकी हाइट कम दिखेगी। और इस पे पहन लो आप लॉन्ग बूट्स, और इसके बीच में जो स्किन दिख रही है वो एक बैरियर क्रिएट कर रही है। और अब बताओ, कोई कह सकता है आपको छोटा? इंस्टाग्राम का जमाना है, डेली डेली हम पिक्चर अपलोड करते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए भी टिप्स हो जाए। अब पिक्चर ऊपर से नीचे की ओर लोगे तो ऐसे दिखोगे, तो पिक्चर लेने आपको नीचे से ऊपर की ओर। अब आया ना मजा? आप इस टाइप से अपने एक पैर को बाहर निकाल कर भी पिक्चर ले सकते हो, इससे लॉन्ग लेग होने का इल्यूजन होता है। अगर आप अपनी लॉन्ग हाइट वाली फ्रेंड के साथ पिक्चर क्लिक करा रहे हो ना, तो अपना रूल चलाओ, लंबी हाइट वाले को पीछे ढकेलो और खुद आगे आ जाओ, और पिक्चर देखने के बाद इतने भी छोटे नहीं लगोगे। हाइट लंबी चाहिए, बालों का बलिदान देना पड़ेगा। नहीं, बाल नहीं कटवाने, और हाइट भी लंबी चाहिए हमें। देख रहे हो इन्हें सब चाहिए। जब बाल छोटे रहते हैं ना, तो हाइट लंबी दिखती है, बाल नहीं कटवाने। एक तरीका है हाई पोनीटेल। रुको, अभी दिखाती हूँ। बना लिया मैंने पोनीटेल, और अब आप बिफोर आफ्टर देखो, कौन लंबा दिख रहा है। इससे ना हमारी नेक भी लंबी दिखती है। इतनी है तो बिना हिल्स के तू कितनी सी होगी यार, लंबी हो जाए और हील पहनना छोड़ दे। तो इसके लिए आप बेल बॉटम या फिर प्लाजो स्टाइल को कैरी करो, और इसे मैंने थोड़ा सा लंबा छोड़ा ताकि मेरी हील्स जो है वो कवर हो जाए। लॉन्ग टॉप की जगह आप क्रॉप टॉप पहनो, ऐसा क्यों? अब दोनों में डिफरेंस देखो। क्रॉप टॉप में आपकी जो बॉडी है वो एकदम बैलेंस दिखेगी, और आपका जो बॉटम पार्ट है वो लॉन्ग दिखेगा। और ऊपर से अगर आपने हाई वेस्टेड बॉटम पहन ली ना, तो फिर एक कंजूसी मत करो ना यार, थोड़ा सॉन्ग और चलाओ ना। इनका तो कोई मूड नहीं है, आप लंबे दिख गए ना। अब नेक्स्ट टैग देखो। सावधान, हाँ जी आपसे ही बोल रही हूँ, सीधे खड़े हो जाओ। पॉस्चर प्रॉब्लम तो हर किसी में होती है। कुछ लोग अपने कंधे झुका के चलते हैं, जैसे ये चल रहे हैं, और कुछ लोग तो अपना पीठ ऐसे निकाल के चलते हैं, और ऐसी आपकी हाइट ना भोंदू जैसी छोटी लगेगी। तो ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि आप अपने कंधों को स्ट्रेट रखिए। अब चाहे आप खड़े हो या फिर मेरी तरह ऐसे बैठे हो, आपके जो शोल्डर्स है ना वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। बात बहुत छोटी है लेकिन पते की है, अपनाओगे ना ये हैक। ये देखो, बॉटम में अगर इस तरीके की चीज पहनी तो आपकी हाइट। तो इसके लिए आपको पहनना है नो ब्रेक। अब आप बोलोगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो नो ब्रेक में जो आपका बॉटम होता है ना वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है और इस नो ब्रेक में बिल्कुल भी चूड़ियां नहीं आती। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप चूड़ीदार वाली जीन्स पहनते हो तो आपकी हाइट छोटी दिखती है। तो जब आपकी जीन्स बिना चूड़ी के स्ट्रेट जाकर खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि आपकी हाइट लंबी है। तो बस इन हैक्स को फॉलो करो और अपनी हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट करो और कर दो अनायसा को लाइक और नोटिफिकेशन बेल बजने का वेट करो। ए छोटी, फिर से छोटी बोलो। अभी अपना हैक करती हूँ ना, फिर बताती हूँ लंबे कैसे होते हैं।